हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन हरप्रीत। आज कोलेस्ट्रॉल पे मैं एक छोटा सा वीडियो फिर से लेके आई हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कोलेस्ट्रॉल पे, जिसमें मैंने डाइट्स वगैरह के बारे में भी बताया है। आज एक छोटा सा वीडियो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है मेरे आसपास भी लोगों में कोलेस्ट्रॉल को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है लोगों के दिमाग में कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा हवा जैसा बन जाता है। बट कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा ही नहीं, अच्छा भी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में हो जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अदरवाइज़ जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में हमारे सेल के लिए, हमारी सेल्स की रीग्रोथ के लिए, एंड हमारे सेल को हमारे हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए, एंड हमारे सेल को रिपेयर करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, लेकिन जब हमारी बॉडी में, हमारे जो अंदर सेल्स हैं, जब हमारे ऑर्गन्स में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल बुरा हो जाता है। जब हम अपनी रिपोर्ट्स करवाते हैं तब हमारा कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा हुआ आता है हमारी रिपोर्ट्स में, तो हमें एकदम से मेडिसिन नहीं शुरू करनी चाहिए उसके लिए क्या होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये डायरेक्टली हार्ट तक जाती हैं और हमें नहीं पता चलता कब हमें हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमें कहाँ से बंद करना है। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स ज़्यादा आने पे हमें सिंपली हम लोग सोचते हैं कि फ़ैट नहीं खाना, आज से हम चीज़ नहीं खाएंगे, पनीर नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे। जो भी चीज़ में हमें फ़ैट लगता है हम उसको स्किप करने की सोचते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि फटाफट से हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए और ताकि हम दोबारा से अपनी उसी लाइफ पे, उसी स्टाइल्स में हम अपनी लाइफ को जी सकें, घूम फिर सकें, अच्छा सा खाना खा सकें। बट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हम जो बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, बेसिकली जो हमें हमारी टंग को जो फूड अच्छा लगता है उस फूड को हमें अवॉइड करना होगा, क्योंकि जो वो फूड होता है वो हमारे अंदर जाके जो गंदा ऑयल होता है वो हमारे अंदर जमना शुरू हो जाता है, जिससे वो एक वैक्स जैसा, वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो वैक्स जैसा होता है जो हमारे अंदर चिपक जाता है बिल्कुल बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स में, जिससे हमें वो नुकसान देता है। बट हमने सिर्फ उस खाने को छोड़ना है जो अनहेल्दी है, जैसे कि हमें बेकरी के आइटम्स भी छोड़नी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनहेल्दी खाना छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, रस, ऐसी चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं, बट वो भी मैदे से बनी होती हैं। चाहे पैकेट्स पे कितना भी लिखा हो कि वो होममेड है, आटे से बनी हुई है, उसमें ये डाला है, वो डाला है, बट हर चीज़ में शुगर होती है, हर चीज़ में सॉल्ट होता है, हर चीज़ में ऑयल डाला होता है। तो वो चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। और उसके बाद हमने क्या शुरू करना है, हमारा जो गुड फैट होता है हमने उसका इंटेक लेना ज़्यादा शुरू करना है, जैसे कि हमारे नट्स एंड सीड्स हो जाते हैं, जो आप किसी भी टाइम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। मॉर्निंग में ऐड करो तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और उसके अलावा हमारा कोकोनट है, हमारा देसी घी है। देसी घी भी ऐसा नहीं है कि देसी घी खाना है तो हम तीनों टाइम रोटी पे देसी घी लगा के खा रहे हैं, सब्जी को भी हम उसी से तड़का लगा रहे हैं। हमने क्या करना है, मॉडरेट अमाउंट में 1 टेबलस्पून एक दिन में आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपनी फुलके पे, रोटी पे लगा सकते हो। तो हमें उतना देसी घी यूज़ करना है, क्योंकि उसमें भी एक गुड फैट होता है, हमें उसको अपनी डाइट में ऐड रखना है। और जैसे कि घर का बना हुआ मक्खन होता है, जो कि बटर होता है, वो आपने बाहर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पराठा नहीं खाएंगे, हम लोग रोटी को, तो हम पराठे को हम बिना घी के ऊपर सेक लेते हैं और नीचे उतार के हम लोग अमूल का या कोई भी बटर जो आता है, या लो सॉल्टेड बटर जो होते हैं, हम लोग वो लगा लेते हैं। उससे क्या होता है, वो हमें और ज़्यादा नुकसान देता है और हमें लगता है कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं, तो फिर ये हमारी जो हेल्थ है उसमें वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो वो एक अनहेल्दी फैट है, आप उसको अवॉइड करिए। जो घर का बना हुआ मक्खन होता है, बटर होता है, वो वाइट बटर घर वाला निकालिए। हमने बाहर से भी वाइट बटर नहीं लेना है, वाइट बटर हम सिर्फ घर वाला ही यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम लोग देसी घी यूज़ करेंगे, एंड हम लोग अच्छा घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाएंगे, डिनर अर्ली करेंगे। और हमारी ऐसा अगर आप लोग करोगे तो आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो जल्दी से नॉर्मल हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। अपनी डाइट में चीज़ें को ज़रूर ऐड कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।